इंदौर में राजवाड़ा और जवाहर मार्ग क्षेत्र के यातायात को सुधारने के लिए सोमवार को बड़ा गणपति से कृष्णपुरा छतरी और नंदलालपुरा से लेकर राजमोहल्ला तक के मार्ग को वन वे कर दिया गया है। हेवी ट्रैफिक को देखते हुए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। जवाहर मार्ग पर राजमोहल्ला से नंदलालपुरा तक की 1.8 किलोमीटर लंबी सड़क है, जबकि एमटी रोड पर कृष्णपुरा पुल से बड़ा गणपति तक करीब 1.7 किलोमीटर सड़क वन वे की गई है। दोनों प्रमुख मार्गों को 40 से ज्यादा लिंक रोड जोड़ती हैं। इन लिंक रोड पर भी सामान्य आवाजाही हो सकेगी। इधर इस फैसले को शहर हित में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक ये प्रयोग केवल 7 दिनों के लिए किया गया है। ऐसे में आगे सुधार के लिए जो भी संभावना और सुझाव सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि शहर के यातायात को सुगम बनाने की दिशा के लिए जो भी सार्थक कदम होंगे वे उठाए जाएंगे। देखिए, एक प्रयोग के तौर पर व्यवस्था ट्रायल के लिए चालू करी गई है और मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रयोग है। आज के जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे और अगले कुछ दिनों के जो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, लोग जो यूज कर रहे हैं उनका फीडबैक लिया जाएगा, उनसे जो हमको अनुभव प्राप्त होंगे। अगर हम लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ सिविल वर्क करना है या कुछ और मॉडिफिकेशन करने हैं तो उन फीडबैक्स के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन ट्रायल के तौर पर अभी हम लोग कुछ दिन इसको चलाएंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई इस व्यवस्था से आम लोग खुश हैं। उनका कहना है कि जवाहर मार्ग जैसे व्यस्ततम इलाके को एकांगी मार्ग घोषित करने से यहां की यातायात व्यवस्था काफी सुगम होगी। साथ ही इंदौर शहर अब स्वच्छता के साथ ही यातायात की व्यवस्था में भी अव्वल बनेगा। हमारे महापौर जी ने जो एकांकी मार्ग आज से स्टार्ट किया है, इंदौर स्वच्छता में तो नंबर वन है ही सही। जो अभी तक हम लोग ट्रैफिक के लिए झेलते आ रहे थे, पर अब हमें आगे से ये सब कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। एकांकी मार्ग बहुत अच्छा महापौर जी ने स्टार्ट किया है और अब हमारा ट्रैफिक में भी इंदौर सबसे नंबर वन आएगा। स्वच्छता में तो नंबर वन है ही सही, अब ट्रैफिक में भी नंबर वन आएगा। इसमें क्या होता है कि बड़ा गणपति से लेकर राजवाड़ा तक इतना जाम लगता था कि आने वाले को भी परेशानी और जाने वाले को भी परेशानी, तो इसके बाद क्या आप जाने वालों के लिए बहुत बढ़िया मार्ग हो गया है बड़े गणपति से लेकर राजवाड़ा तक, और आने वालों के लिए जो जवाहर मार्ग वाला वो रोड है वो बहुत ही बढ़िया है कि मतलब दो तरफ जाम हो जाता था तो वो स्थिति ख़त्म हो जाएगी अब। पर इससे क्या है, थोड़ा गलियों पर 2-4 दिन परेशानी होगी पब्लिक को, लेकिन आम रूटिंग में ये अपना आ जाएगा कि इधर से ही निकलना और इधर से आना है। के इंदौर के ट्रैफिक व्यवस्था सुधार का प्रयास चालू किया गया है, निसंदेह बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं कुछ तो इंदौर शहर के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जहां भी जा रहा है उसको आधे घंटे से पौन घंटे का एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम मिल रहा है। ये मेरे हिसाब से सराहनीय प्रयास है, लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए और इस व्यवस्था को अन्य जगहों पे भी लागू करना चाहिए। इंदौर शहर में कई जगह पे ट्रैफिक की बहुत तकलीफ है। वहीं शहर का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र जवाहर मार्ग पर होने से व्यापारी भी खुश हैं। उनका कहना है कि अक्सर यहां जाम के हालात निर्मित होते थे, ऐसे में व्यापार करना काफी मुश्किल भरा साबित होता था, आने जाने में काफी समय बीत जाता था और जाम की वजह से व्यापारियों को भी काफी मुश्किल होती थी। लेकिन प्रशासन के इस कदम ने इन व्यापारियों को भी काफी राहत पहुंचाई है। मैं अत्यंत खुश हूं और इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जीवान पर अटल रही है। पुष्पमित्र भार्गव ने जो निर्णय लिया है अति उत्तम लिया है और इससे बहुत सुविधाएं, व्यापार में कोई फर्क नहीं आएगा। जब वर्षों पहले एमजी रोड वन वे था तब भी वो आज तक उनकी दुकानें सालों से चल रही है, लोग जाएगा रास्ते में इतने कट सब इंदौर लोकल वालों को तकलीफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। मैं अत्यंत खुश हूँ पुष्पमित्र भार्गव के निर्णय से। ये बहुत अच्छा प्रयोग करा है यहाँ पर अगर ट्रैफिक कम हो जाएगा तो पूरा लोड सर्वेटे टू गंगवाल रोड पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे वहाँ जो ऑलरेडी अतिक्रमण कर रखा लोगों ने वो भी क्लियर हो जाएगा रोड, और यहाँ का ट्रैफिक उधर डाइवर्ट हो जाएगा और यहाँ जवान मार्ग को फ्री हो जाएगा। इन्होंने ये उस रोड की वजह से इसको एकांगी करा है, ये मेन रीज़न है। थोड़ा यहाँ पर ये मार्केट में सेंटर एरिया है, यहाँ कस्टमर का फ्लो कम हो जाएगा लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगा। हाँ, व्यापार में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा सर, व्यापार को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आने वाले समय में। बाकी आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इससे। बाकी अब आगे व्यापार को देखा जाए तो व्यापार के उससे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। पहले जाम भी बहुत इस मार्ग में जाम भी बहुत ज़्यादा लगता है। बाकी अब आगे थोड़ा बदलाव तो आएगा ही सही। अब व्यापार को आप आज आए हैं, देखो व्यापार में क्या असर पड़ता है उस चीज़ का।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उम्मीद है कि महापौर का ये प्रयोग सफल होगा और शहर के अन्य इलाकों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी।